हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट कमेटी के बारे में तो प्रेजेंटेशन के वे में आपको नोट्स यहाँ पे मिलेंगे और अगर आपको हैंड रिटर्न चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे उस चैनल का लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है तो पहला मीनिंग क्या है ऑडिट कमेटी का एन ऑपरेटिंग कमेटी विच कंटेन्स ऑल ऑफ बी ओ डी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी और जिसका ये एम हो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें उसे ओवर सी करें और डिस्लोज करें मेंबर्स को कि क्या है इसमें वो क्या होती है ऑडिट कमेटी अब अंटिल द एमेक्टमेंट यानी जब तक कंपनी एक्ट अभी तक आया नहीं था जब 2013 अभी तक नहीं आया था तो एवरी पब्लिक कंपनी को यह कहा गया था कि अगर आपकी पेड ऑफ़ कैपिटल पाँच करोड़ से कम नहीं है तो आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलकर ऑडिट कमेटी को कंसिक्यूट कर सकते हो यानी बना सकते हो पहले ये कहा गया था यानी पहले जो ये था कंपनी 2013 एक्ट के पहले तो ये पाँच करोड़ तक की पेड ऑफ़ कैपिटल के लिए मंजूरी थी कि आप बना सकते हो ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिलकर लेकिन अब यहाँ पे एप्लीएबिलिटी चेंज हो गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवली लिस्टेड कंपनी एंड फॉलोइंग क्लासेस कंपनीज अंडर रूल सिक्स ऑडिट कमेटी कब बना सकते हैं तो ऑडिट कमेटी बनाने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स फॉलो करने होंगे यानी उनको कुछ मानना होगा वो क्या हो गया अब रूल क्या बन गया कि ऑल पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल अब पाँच करोड़ की बजाय दस करोड़ से ज़्यादा होगी या दस करोड़ होगी वही ऑडिट कमेटी बनेगी या जिसकी टर्नओवर पब्लिक कंपनी की सौ करोड़ से ज़्यादा या सौ करोड़ तक होगी या जो पब्लिक कंपनी का एग्रीगेट लोन डिवेंचर या डिपॉजिट एक्सीड करेगा पचास करोड़ तक या फिर पचास करोड़ से ज़्यादा वही क्या मानी जाएगी या वही कंपनी क्या बना सकती है ऑडिट कमेटी बना सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलकर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का समूह अगर आपने बनाना है ऑडिट कमेटी के लिए तो ये तीन कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अब टू एक्ट के आने के बाद तो ये हो गया अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि इन एडिशन हमने क्या किया यानी न्यू एक्ट जब आया तो उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए तीन कमेटी बना दी थी तो वो तीन कमेटी में सबसे पहली कमेटी थी एनआरसी दैट इज नॉमिनेशन ऑफ रेमोरेशन कमेटी सेक्शन 178 के अंदर इसका मेन क्या था कि इन्होंने रिकमेंडेशन देनी थी अपॉइंटमेंट या रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कि कब आपको करनी है कब नहीं करनी है या क्या क्या प्रोविजंस होंगे अगर आपने नॉन कम्पायलेंट्स की किसी रूल्स की यानी पेनल्टी आपको एक्सपोज की जा सकती है अगर आपने नॉन कम्पायलेंट्स की तो ये कौन करेगा एनआरसी कमेटी देखेगी भी और करेगी भी तो पहला पॉइंट हुआ अब दूसरा पॉइंट ये था कि मस्ट स्पेसिफाई इन्होंने ये भी स्पेसिफाई करना है कि रेमोरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितनी होगी और इसके अलावा ये जरूरी भी था कि जितने भी इस कमेटी के मेंबर्स हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग को भी अटेंड करें इसलिए इसका जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा वो यही था कि अपॉइंटमेंट और रिमूवल डायरेक्टर्स की देखना और उनके रेमोरेशन को डिसाइड करना सेकेंड कमेटी अब आपके सामने है कि सी एस आर दैट इज कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी अंडर सेक्शन 135 थर्टी फाइव यह कब बनेगी पहली बात तो यह है कि कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि सी एस आर बनाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी कंपनी के वही बनेंगे जिस कंपनी की नेटवर्थ मोर देन फाइव हंड्रेड करोड़ होगी टर्न ओवर हजार करोड़ से ज्यादा होगी और नेट प्रॉफिट पांच करोड़ से ज्यादा होगा वही कमेटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीएसआर कमेटी बना सकती है इसके अलावा इसका मेन फंक्शन ये था कि सीएसआर अपनी ही पॉलिसी बनाए उसे मॉनिटर करे पीडिकली और ये भी एटलीस्ट देखना कि दो परसेंट नेट प्रॉफिट है जो वो सी एस आर एक्टिविटीज़ के लिए यूज हो अब तीसरा ये है कि कमेटीज़ का ये भी देखना था कि कंपनी हेल्पफुल हो जाए सी एस आर एक्टिविटीज़ को खुद सेटिंग करने के लिए और एनपीओ रिलेशनशिप दूसरी एक्टिविटीज या दूसरी कंपनी के सी एस आर कमेटीज़ के साथ अच्छे से बना ले ताकि कंपनी को भी फायदा हो जाए थर्ड कमेटी आती है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी दैट इज एस आर सी कमेटी और ये क्या थी एवरी कंपनी विच हैज मोर देन थाउजेंड स्टेक होल्डर्स डिपोजिट होल्डर्स विल कॉन्स््यूट दिस कमेटी और ये कमेटी नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही बनेगी उसके अलावा किसी और की नहीं तो मेन ऑब्जेक्ट इनका ये था कि ग्रीवेंसी रिटर्सल प्रोवाइड करना कि इनको वेरियस स्टेक होल्डर्स को ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी बता सके यहाँ पे आके तो ये कमेटी ज़्यादातर इसी पर्पज़ के लिए तैयार की जा रही थी और चेयरपर्सन ये थे कि जो चेयरपर्सन थे इस कमेटी के ऑल्सो मैंनेडेटरी टू अटेंड उनको भी ये कहा जाता था कि आपने एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करनी है नहीं तो आपको बोर्ड ऑफ मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा तो ये हो गया अब अब जो सेक्शन 177 था ना इसका कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी क्या था कि कोई भी लिस्टेड कंपनी कोई भी पब्लिक क्लास कंपनी को यह कहा जाता कि आप ऑडिट कमेटी बनाओ विद मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स यानी थ्री डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए अपनी कंपनी में अगर आपने ऑडिट कमेटी बनानी है अंडर सेक्शन वन सेवनटी जरूरी था और मेजॉरिटी इसमें किसके हाथ में दी जा रही थी इन द हैंड्स ऑफ चेयरपर्सन ताकि वो अपनी एबिलिटी यूज़ कर सकें किसको रीड करने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और अंडर सेक्शन 134 थर्टी फोर सब सेक्शन थ्री में यह कहा गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्क्लोज़ करें ये ऑडिट कमेटी किस तरीके की बनी है ये भी ज़रूरी था तो ये सेक्शन 177 था जो आपको बहुत ज़रूरी अपने माइंड में रखना है अब फंक्शंस इसके क्या थे ऑडिट कमेटी के हमने पूरा पढ़ा है अभी तक तो पहला फंक्शन था कि रिकमेंड करना कि कौन से अपॉइंटमेंट होगी कौन सी रेमोलेशन होगी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होगी ऑडिटर की इसके अलावा रिव्यू एंड मॉनिटर भी करना ऑडिटर की परफॉर्मेंस को कि ऑडिटर कैसे परफॉर्म कर रहा है ये उसे देखना मॉनिटर करना फिर उसके बाद एग्जामिन भी करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ऑडिटर ने बनाई है ऑडिट रिपोर्ट बनाई है क्या वो सही है या नहीं और इसके बाद आपके पास आता है सिक्योरिटी यानी छांटी करना कि जो आपने इन्वेस्टमेंट और लोन्स लिए हैं किस तरीके के हैं वो उसकी भी छांटी यानी सिक्योरिटी करना यह भी बहुत जरूरी फंक्शन है फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट दैट इज वैल्यूएशन करना एसेट ऑफ अ कंपनी यानी कंपनी की एसेट की आप क्या कर रहोगे वैल्यूएशन करोगे ये भी ऑडिट कमेटी का काम है फिर एवोल्यूशन करना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कि क्या वो फाइनेंशियल कंट्रोल सही है या नहीं और लास्ट आपने जो पब्लिक ऑफर से फ़ंड रेज किए हैं उससे देखना कि उसका क्या यूज़ किया गया है एंड यूज़ देखना अब फंक्शंस हो गए हैं तो पावर्स क्या हैं ऑडिट कमेटी की तो पहली जो पावर है कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है ऑडिट कमेटी को तो वो इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ क्या कर सकती है डिस्कस कर सकती है उस रिलेटेड इशू के रिलेटेड उसके बाद आता है कि ऑप्टेन प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकती है अगर किसी को लगता है कि प्रोफेशनल सोर्स अच्छा है तो वो बाहर से अपनी एडवाइस भी ले सकता है कोई प्रोफेशनल तरीके से ऑडिट कमेटी के अंदर और हैव फुल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अगर कोई कंपनी के रिकॉर्ड्स में कोई इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए तो वो भी आसानी से वो ऑडिट कमेटी वाला मेम्बर क्या ले सकता है अपनी पावर से यूज़ कर सकता है उस चीज़ का और टू इन्वेस्टिगेट एनी मैटर और अगर उसे कुछ डाउटफुल लगता है वो उसके क्या कर सकता है इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है ये भी उसके हाथ में एक पावर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बात आपको बताता हूँ कि वो है कि अगर ऑडिटर है कोई कंपनी का वो अपना राइट टू हार्ड यूज़ कर सकता है अगर उसे लगता है कि उसने रिपोर्ट अच्छे से देखी है पर उसे राइट टू वोट नहीं मिला तो ये इंपॉर्टेंट नोट है इसके अंदर तो आज के लिए दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था ऑडिट कमेटी क्या होता है होप्स so, आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लगी है समझ आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना थैंक यू वेरी मच